तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में समीर जी हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म, एक्सेल फॉर्म। और एक्सेल फॉर्म को हम एक शीट से दूसरे शीट, एक फाइल से दूसरे फाइल, और एक पीसी से दूसरे पीसी, और एक सिटी से अनुदान, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कैसे भेजेंगे, ये डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने मैंने बनाया हुआ है, राइट सर। अब इसका जो डेटा मुझे लेके जाना है वो लेके जाना है कहाँ पे, इस डेटा वाले शीट में अरेंज करना है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था, उसी चीज को यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं पहले, फिर मैं एक एक करके हम इसमें अपग्रेड करेंगे। तो मैंने दोनों फाइल को पहले रख लिया ताकि आपको पता चले कि कैसे होगा। तो इस बार डेटा शीट में लेके जाना है हमें। एक चीज और भी है, आपको जब इस तरह की फॉर्म डिजाइन करें तो हमें कंफ्यूजन होती है कभी कभी। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको रिनेम कर देते हैं। हमने इसका नाम दे दिया आईडी, इसका नाम दे देते हैं डीटी, तो वहां कोडिंग करने में आसान होता है। इसका नाम नेम रेंज हो गया, हाँ टीएम यहाँ से ऊपर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ मैं इसका देता हूँ नेम, इसका देता हूँ सिटी। बार बार हमें फॉर्म में देखना नहीं पड़ता है, ठीक है ना सर। एरिया और इसका नाम हो जाता है अमाउंट, सॉरी इसका नाम हो जाता है अमाउंट, राइट। अब डेटा शीट पे मुझे जाना है, बटन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें आईडी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट आर, यहाँ पे हम सेंड नाम का एक माइक्रो बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, मैक्स में हमारा जो है शीट है डेटा, राइट। शीट्स डेटा डॉट रेंज ए बाई ए हमने ले लिया, ठीक है। और अब यहां पे हम करते हैं रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 0.1, 1.0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई डी प्लस, अब यहां पे आईडी प्लस वन, ठीक है आईडी प्लस वन, राइट। और इसी को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, और यहां पे हमने जीरो और यहां पे हमने वन कर दिया। ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और यहां पे हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा हमारा टू, और ये हमारा हो जाएगा टाइम, ओके। अब यहां हम इसको जगह पे हम थ्री करते हैं, और टाइम के जगह पे हम देते हैं रेंज, और रेंज में हम देते हैं यहां पे क्या है टाइम के बाद नेम, तो यहां पे नेम लिख देते क्योंकि हमने उसका रिनेम कर रखे इसलिए, ठीक है। अब इसमें सबके आगे सीट्स लगाना हम भूल गए, हमें यहाँ पे सबके आगे सीट्स लगाना होगा, सबके आगे हमें सीट्स लगाना होगा। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगेन मैं देता हूँ इसी पे पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब नेम के बाद होता है सिटी, तो यहाँ पे थ्री के जगह हम कर देंगे फोर, और यहाँ हो जाएगा सिटी, लेकिन इन्वर्टर कॉमा में डालिएगा, ठीक है सर, क्योंकि जो डिफाइन नेम है वो एक्सेल का है, वीवीए का नहीं है, जो आप डायरेक्ट डाल रहे हैं। एरिया एंड यहाँ पे सिक्स इज द अमाउंट, और फिर यहां पे एम एस जी बॉक्स
msg box, यहां पर कर देते हैं डेटा हैव सेंड या सेव कर दीजिए। लेकिन एक चीज यहां पे देखिए, हमारे साथ जो फॉर्म है ना सर, फॉर्म में आईडी हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, ये ब्लैंक है। मैं चाहता हूं ये ऑटो फिल होना चाहिए, ऑटोमेटिक जो हम एंट्री करते जा रहे हैं तो ठीक है। तो यहां हम करते हैं रेंज आईडी लिखा हुआ है यहां पे, रेंज इनवर्ट को हमें आईडी डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस वन, देन रेंज डीटी डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट एंड रेंज टी एम डॉट वैल्यू इक्वल टू टाइम, उसके बाद रेंज ये आपका बी नाइन, यहां पे अलग अलग देना है तो अलग दे सकते हैं, नेम नेम डॉट क्लियर कंटेंट, और नेम की जगह पे यहां पे हम दे देते हैं। अच्छा एक 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 करके किया जा सकता नहीं इसमें, एक ही इसमें लिख सकते हैं ना कॉमा नेम है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया ऐसा, हमने डिफाइन नेम को ट्राई नहीं किया ऐसा, ट्राई करें अभी। अच्छा ट्राई कर लेते हैं अमाउंट, ठीक है जी। अब चलिए बारी आती है इसको टेस्ट करने की, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल तो यार इसमें कुछ नहीं करना, अपने आप हो जाएगा ठीक है। एक बार इंटरव्यू ब्लैंक होगा, एक बार वो भी नहीं होगा, जब इवेंट मार्क को करेंगे ना तो वो भी चीजें भी अपने आप आ जाएगी। पूजा सिटी में दिल्ली, एरिया आपका हो जाता है नॉर्थ, और अमाउंट हो जाता है 600। हम अब इस पे राइट क्लिक करके मैं असाइन मैक्रो करूंगा और सेंड मैक्रो को असाइन कर दूंगा। अब एक बार इसको क्लिक करते डेटा हैज सेव, देखिए आईडी 1 ये आ गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये 1 क्यों आया, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी इंटर हो चुका है ना सर जी, यहाँ तो 200 होना चाहिए क्या, तो यहाँ आईडी प्लस 1 नहीं प्लस 2 कर ठीक है जी। अब यहाँ पे एक दूसरी एंट्री करते हैं, तो ये अगर 2 में चेंज हो गया है तो फिर से स्टार्ट से शुरू करें टेस्ट कर कि वो नहीं। हाँ यहाँ पे एक बार यहाँ पे पूनम, सॉरी इंग्लिश पे टाइप हो रहा है, यहाँ पे पूनम सिटी में हमने डाल दिया नोएडा, एरिया हो जाएगा हमारा सेंट्रल, अमाउंट हो जाएगा हमारा 850, सबमिट एंड ओके। इस बार 3 है, परफेक्ट, क्योंकि 2 एंट्री हो चुका है जी, समझ गए, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है राइट। अब मुझे इसको इसमें इसमें अब मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ तक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। तो इसे अगर मतलब ये डेटा शीट में अगर रो 2 और 3 में जो डेटा है उसे हम डिलीट कर दें और शुरू से ट्राई करें तो वो मतलब वर्क होगा जी 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 ठीक है। ये जो चीजें हैं यहाँ पे जैसे विजिबल हो रही है, इससे डेटा एंट्री में कोई मतलब नहीं है ठीक है ना। अच्छा अच्छा इसे विजिबल है सर ठीक है ओके। अब यहाँ हमने इसको एक बार इस फाइल को मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और मैं इसको फॉर्म के नाम पे फॉर्म के नाम से मैं फॉर्म 1 फॉर्म के नाम से ऑलरेडी है फॉर्म वन के नाम से डॉट एक्सलेस एक्स हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं ठीक है। और जो डेटा है इस डेटा को मैं यहाँ से करता हूँ मूव, क्या करता हूँ मूव, और एक नई
बुक में, ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूं डेटा नाम से, लेकिन अलग किसी ई ड्राइव में, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, मैं मोड ऑप्शन पे आता हूं, ई ड्राइव के किसी एक फोल्डर में कर देता हूं मैं, अंदर ई ड्राइव के 21 के डेटा फोल्डर के अंदर, ठीक है, और ये हो जाता है एक्सेल वर्कबुक, और डेटा अंडर के अंदर है सर, ई ड्राइव के अंदर ही कर देता हूँ, डेटा नाम से नहीं ना, डेटा नाम से ऑलरेडी है फाइल, और 9 के अंदर, ठीक है, एक्सेल वर्कबुक, ये माइक्रोनर फाइल नहीं, जस्ट डेटा फाइल है, ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब मैं इस फाइल को करता हूँ क्लोज। अब वापस मारते हैं अपने विजल पे। अब मुझे जो डेटा भेजना है, अब इसमें इस सीट में नहीं भेजना है, मुझे ई ड्राइव के अंदर 2021 के अंदर जो हमारा फाइल ये पड़ा है, जो फाइल है डेटा, उसमें भेजना है। तो ये चीजें तभी होगा जब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो हमें यहां ऊपर करना होगा वर्क बुक डॉट ओपन, राइट, और ओपन में आपको यहां देना होगा पाथ कि कहां से फाइल ओपन करना है, डेटा डॉट एक्सएलएस, सॉरी एक्सएलएस एक्स, राइट। अब उसके बाद जहां जहां डेटा सीट है वहां वहां यहां पे आपको देना होगा वर्क बुक्स डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट, समझे, तो क्योंकि फाइल है कि दो फाइलों के बीच में वर्क हो रहा है, तो आपको हर जगह जहां भी शीट का यूज हुआ है, रेंज का यूज हुआ है, वहां पे आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, और साथ में आपको करना पड़ेगा यहां पे इसके आगे जो रेंज है इसमें भी आपको वर्कबुक्स डॉट डेटा नहीं, यहां पे फॉर्म वन, और फॉर्म वन के अंदर सीट्स, और सीट कौन सा है, फॉर्म है, समझे, तो दोनों तरफ हमें, मतलब यहां पे आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, जरूरी है, अच्छा, नहीं तो फिर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, अच्छा, ठीक है, और जहां जहां हमने इसका यूज किया हुआ है सब जगह इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हो गया, अच्छा, अब जो है हमने फाइल को अपना काम कर लिया, हमें अब फाइल को हमें वापस क्लोज करना होगा, तो यहां पे हमने किया वर्क बुक्स, और कौन सी फाइल क्लोज करनी है, तो हमें करनी है इस फाइल को क्लोज, क्लोज के साथ ट्रू। अब हो सकता है क्लोज होते हुए फाइल सेव ना हो, क्या सर, एक बार हम यहां फाइल को सेव कर लेते हैं डबल इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, और इस मैसेज को हम सबसे लास्ट में रखेंगे, ओके, कोई भी दिक्कत है अब ये फॉर्म 1.xls में भी वर्कबुक्स क्यों लिख रहे हैं, मतलब वो सर फाइल जो ओपन होगा तो कौन एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होगा ना बेटा, जी फॉर्म तो एक्टिवेट रहेगा नहीं, फिर आपको फॉर्म को एक्टिवेट करवाना है, कभी कभी एक्टिवेट में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्यों ना हम डायरेक्ट पाथ दे दें ताकि एश्योरेंस हो कि हाँ मेरा डेटा सही है, सही जगह से ले रहा है, सही जगह जा रहा है, समझ गए, इसलिए मैंने फॉर्म कर दिया है, और यहाँ पे एक्सलेस नहीं होगा, यहाँ पे एक्सलेस एम होगा, क्योंकि ये माइक्रोनेबल फाइल है, देखिए यहाँ पे गलती कर रहे थे हम, आप समझ में आया सर, हमने ऐसा क्यों किया, तो कहने मतलब फाइल जब तक फाइल ओपन नहीं होगी तब तक उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी डेटा नहीं कर सकते जब तक कि हम फाइल को ओपन नहीं कर लेते, तो आपको ओपन करना जरूरी है, और फॉर्म नहीं आप फॉर्म वन है हमारा, ये तो फॉर्म ही है, वो फॉर्म वन तो डेटा है, ये तो फॉर्म है ना, फॉर्म वन ठीक है, अब रहिए, अब एक बार इसको हम कर लेते हैं टेस्ट, लेकिन टेस्ट करने से पहले मैं कर लेता हूँ सेव,
अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया नेम, मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ सुजीत कुमार, सिटी में अभी तत्काल तो मैं हूँ मुजफ्फरपुर में, एरिया हमारा है नॉर्थ, और अमाउंट हमने डाल दिया, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, डेटा है से, ठीक है। चौथा नंबर आ गया ना यहाँ पे सर। अब मैं एक बार डेटा को चेक करता हूँ कि क्या सही हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं 2021 के अंदर 9 के अंदर इस डेटा फाइल को ओपन करता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि ये तो मेरे पीसी पे हुआ ना सर। तो अगर आपके पास अगर कोई टीम ड्राइव है तो ई ड्राइव में जो मैं रखा है यहां उसको आप टीम ड्राइव में रख दीजिए, पाथ वहां के दे दीजिए। क्या क्या फिर से सर, एक आपके पास एक शेयर ड्राइव होता होगा ना, शेयर ड्राइव जो सबको एक्सेस होता है उसमें डाल दीजिए। तो कहने का मतलब है जो ये जो हमारा डेस्कटॉप पे जो फॉर्म पड़ा हुआ है, ये फॉर्म कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप 100 लोगों से डेटा इनपुट लेना है तो 100 लोगों को ये फाइल भेज दीजिए। जी, 100 लोगों को फाइल आपने भेज दिया। अब 100 लोगों को क्या होगा कि आपके टीम ड्राइव का एक्सेस होगा। अब उस एक्सेस का पाथ जो है एफटीपी का जो पाथ है वो ओपन में डाल दीजिए, ओपन करेगा और उसको डाल देगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये चीजें नहीं होती, टीम ड्राइव नहीं होता है, तो क्या करें? क्या तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गूगल सीट, ड्रॉपबॉक्स, ड्रॉपबॉक्स करते थे, अब गूगल ड्राइव। तो उसके लिए आपको गूगल ड्राइव को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको गूगल ड्राइव खोलना है, अपना आईडी से लॉगिन करना है और यहाँ सेटिंग पे जाके गेट बैकअप एंड स्कैन फॉर विंडोज पे क्लिक करना है। ये आपका डाउनलोड होगा, कुछ एमबी का डेटा होता है, जैसे 1.3 MB का फाइल है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। इसको ओपन किया, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन है, वो शेयर ड्राइव अगर है मेरे पास कोई काम में, हाँ तो बस उसका पाथ जो शेयर ड्राइव में जो आपने डेटा फाइल रखी है, फॉर्म फाइल रखें, हाँ तो डेटा फाइल एक टाइम पे अगर 10 लोग इसमें फॉर्म, मैंने ये कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये फाइल जब ओपन होगा तो कुछ मिली सेकंड के लिए ओपन होगा ना सर। ओके, ये हमेशा इंटरफेयर नहीं करेगा, ये तो ओपन करेगा, डेटा डालेगा, सेव कर देगा कुछ मिली सेकंड। अच्छा, समझे। ओके, तो इफेक्ट नहीं करेगा कोई, मतलब हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं इसमें, मिली सेकंड के अंदर ही उसको बहुत सारी चीजें मिल रही है तो उसमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमें लगता है कि ऑफिस में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या लग रहा होगी सर कि कुछ मिली सेकेंड में ही 100 लोग 200 लोग माने डेटा पंच कर दें? नहीं ना होगा सर, क्या लग रहा है सर? उसमें शेयर्ड में रख सकते हैं वो, यहाँ पे सेव कर रहे हैं उसको, शेयर्ड भी रख सकते हैं, लेकिन शेयर में प्रॉब्लम होगी ना। अगर प्रॉब्लम होगी तो भी दिक्कत होगी ना सर, शेयर भी कर देंगे फिर भी प्रॉब्लम होगी। जैसे एक बार अगर दो इन्फॉर्मेशन एक ही टाइम पे आया तो सिस्टम को C1 पे डाला फिर C1 पे डाला तो लास्ट टाइम जो सेव होगा उसी का रखेगा ना फिर। तो उसके लिए चीजें नॉर्मल रखिए। ऐसे मान लीजिए किसी का आया, अगर मान लीजिए कि मान लीजिए दो एक बार दो एंट्री मिल गया तो एक एंट्री एक्सेप्ट करेगा, एक को रीड ऑनली में हो जाएगा, फिर वो फिर एरर दिखेगा, फिर क्लोज करके अगेन ट्राई करेगा, उसको हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के हम आपको इसमें और भी ऐड करना सिखाएंगे कि फाइल को ओपन करने से पहले उसका स्टेटस चेक कर लेगा कि वो रीड ओनली तो नहीं है, अगर रीड ओनली है तो वेट करेगा जब तक कि उसका स्टेटस नॉर्मल नहीं हो जाता है। तो ये चीजें हम आगे क्लास में बताएंगे, फिलहाल आप इसको ऐसे रख सकते हो। तो ये जो हम गूगल ड्राइव इंस्टॉल कर रहे हैं, पता नहीं था टाइम क्यों ले रहा है इंस्टॉल होने में, ये क्या होगा कि मुझे मेरे यहाँ पे एक फोल्डर बना देगा, मतलब कि मेरे सिस्टम के अंदर पीसी के अंदर एक गूगल ड्राइव से डॉक्यूमेंट है डाउनलोड है ना, ऐसे ही गूगल ड्राइव का एक फोल्डर बना देगा, ठीक है।
और जैसे मैं इस वो फाइल को मैं इस ड्राइव में डाल दूंगा, जैसे सेव करूंगा गूगल ड्राइव उसको गूगल ड्राइव में अपडेट कर देगा, जिसको हम कहीं भी आसानी से देख सकते हैं। बट इतना टाइम क्यों ले रहा है? फिर से रन करें उसे, शायद बंद कर चुके, स्टॉलिंग दिखा रहा है। इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए, मे बी बंद करके फिर से रन करेगी एक सीक्वल। तो कैंसिल होने में उतना ही टाइम लगेगा। कैंसिल कर रहा है। कैंसिलिंग हो रहा है। चलिए एक बार दोबारा इंस्टॉल करते हैं, दोबारा चलाते हैं। तो हमेशा जहाँ पे सेव कर रहे हैं फाइल, कहीं जहीं पे रखा है, वो हमेशा वो वर्कबुक ओपन होके ही सेव होगा। जी विदाउट, मतलब कोई ऐसा है नहीं उसमें। यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई सर, थोड़ी सी पता नहीं क्या हुआ है कि बेटिंग को डाउनलोड हो रहा है, एक कैंसिल हो रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं, मेरे पास SSD है, प्रॉब्लम होती नहीं है, पता नहीं क्यों। से टास्क मैनेजर से कैंसिल कर दे फिर, पता नहीं ये कर दे तो सही बोला आपने। रनटाइम ब्रोकर है योर फोन विंडोज फुल स्क्रीन। हां गूगल इंस्टॉलर सेटअप। वो बंद नहीं हुआ है, ऊपर भी है 32 bit वो गूगल इंस्टॉलर, वो भी है ना। मैं पहले से मुझे डाउनलोड करके रखना चाहिए था सर। आप पॉज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, ये आप पता नहीं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए उसे। ओके ठीक है, ये टाइम लग रहा है ना, सही इसलिए बोल रहा हूँ। वेटिंग फॉर डाउनलोड करना है बस हमें। हमें क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद जस्ट हमारा फाइल का पाथ चेंज कर देना है बस, फाइल को मूव कर देना है, उसके बाद कोड वर्क करेगा अपना, तब बाकी काम उसका गूगल करेगा। तो एक गूगल में पहले को ट्राई कर रहा था, उससे पहले हम लोग ड्रॉप बॉक्स यूज करते थे। अच्छा, क्योंकि उस समय गूगल ड्राइव को उतना क्रेज नहीं था जिस समय मैंने इस कोड को किया था। ड्रॉप बॉक्स होता था, उसमें क्या होता था कि हमने यहाँ पे फॉर्म भर दिया, डेटा उसमें सेव कर दिया और ड्रॉप बॉक्स ने उसको अपडेट कर दिया। और सेम आपका गूगल ड्राइव भी करता है, इसको भी मैंने एक दो बार ट्राई किया था, लेकिन अनुद्र प्रोजेक्ट के लिए किया था, तो उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं जी। ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा सर। जी ठीक है, ठीक है जी। तो ये क्लाउड पे हो जाएगा सेव, सिर्फ उसका पाथ मुझे देना पड़ेगा अलग से। ओके चलिए मिलते हैं कल हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग के बारे में। ठीक है, ओके ओके ऑलराइट।